हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द कुकिंग फेलोज। माँ के हाथ का अचार हम सभी का फेवरेट होता है और इससे जुड़ी होती है बचपन की ढेर सारी यादें। ऐसा ही एक अचार हम बनाने जा रहे हैं, वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की हमारी रेसिपी है हरी मिर्च का अचार और अचार का मसाला, जिसे आप किसी भी अचार में, साथ ही सब्जियां जैसे अचारी आलू, अचारी बैंगन या पनीर में यूज ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लेते हैं। हमने यहाँ पर इस तरह की हरी मिर्च ली है, ये थोड़ी मोटी और कम तीखी है। आप चाहे तो मोटी मिर्च जो भज्जी या पकौड़ा बनाने के लिए काम आती है वो भी ले सकते हैं। इसके लिए हम इसे स्लिट करेंगे और इसका क्राउन पार्ट हटा देंगे। देखिए केयरफुली इसे ऊपर से नीचे तक हम स्लिट करेंगे और इस तरह से इसका क्राउन पार्ट हटा लेते हैं। अगर आप मिर्च को बहुत ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसे डीसीड ना करें, नहीं तो इसे हम डीसीड कर लेंगे। मिर्च को केयरफुली स्लिट करना है, नहीं तो ये बीच से ब्रेक हो जाती है। देखिए मिर्च को हमने इस तरह से बीज निकाल के रेडी कर लिया है और इसी तरह से हमने बाकी सभी हरी मिर्च भी रेडी करके तैयार कर ली है। अब अचार का मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है पीली सरसों। अचार में पीली सरसों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। राई यानी मस्टर्ड सीड्स, राई और सरसों की हमें दाल बनानी है। इसके लिए हमने एक ग्राइंडर लिया है। ग्राइंडर में हम करीब 1 टेबलस्पून राई ऐड करेंगे और साथ ही 2 टेबलस्पून पीली सरसों ऐड कर लेते हैं और इन्हें पल्स मोड पे चलाते हुए हम ग्राइंड कर लेंगे। पल्स मोड पे यानी कि हम 2 से 3 बार पल्स मोड पे चलाएंगे जब तक ये दाल हाफ क्रश ना हो जाए। हमें इसका पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। देखिए इस तरह से हमने इसको ग्राइंड करके रेडी कर लिया है और ये एक परफेक्ट हाफ क्रश हुई है। इसे बिल्कुल भी पाउडर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब इस दाल को हम ट्रांसफर कर लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में और इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 2 टेबलस्पून, सौंफ करीब 3 टेबलस्पून। सौंफ से अचार में फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं। हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा यानी कि 1/8 टीस्पून और इतनी ही हींग यानी कि 1/8 टीस्पून हींग भी इसमें ऐड कर लेंगे। इन सभी मसालों को स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस मसाले को आप साल भर यूज कर सकते हैं। जब भी अचार बनाना हो या अचारी सब्जी बनानी हो तो इसमें ऐड कर लीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे लेमन। इसके लिए हम लेमन को कट करके उसके सीड्स हटा लेते हैं और इसे मसाले में ऐड कर लेते हैं। हमें लेमन कितना ऐड करना है इसकी क्वांटिटी के लिए हमें सिर्फ मसाले को हल्का सा गीला करना है, यानी कि हल्की सी उसमें बाइंडिंग आ जाए, इतना ही लेमन जूस स्क्वीज करना है। काफी बार अचार खराब हो जाते हैं लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये कभी भी खराब नहीं होगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसे अच्छे से मिक्स करके। ये अभी भी थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसमें हम हाफ लेमन जूस और स्क्वीज कर लेंगे। लेमन ऐड करने से इसमें हल्का खट्टापन आता है, साथ ही इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। हरी मिर्ची के लिए अचार का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसे मिर्चों में भर लेते हैं। अच्छे से मसालों को हम मिर्च में भरेंगे। इस अचार को आप इंस्टेंटली भी खा सकते हैं और 2 से 3 दिन बाद इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। इसे अगर ऑयल फ्री बना रहे हैं तो बस मसाला स्टफ करना है और 1 मंथ के लिए फ्रिज में रख के यूज कर सकते हैं। अचार की मिर्च को हमें अच्छे से टाइटली अंदर मसाला भरना है। जितना मसाला इसमें अंदर जाएगा उतनी ही ये स्वाद में अच्छी लगेंगी। इसी तरह से हम बाकी सभी मिर्च को भी मसाला भर के रेडी कर लेते हैं। इस अचार के मसाले से आप गाजर, मूली
या मिक्स वेज का अचार भी बना सकते हैं। साथ ही इसी अचार के मसाले से आप आंवले का अचार भी बना सकते हैं। इसे आप पराठा बनाते समय या थेपला बनाते समय थोड़ा सा आटे में ऐड कर लें तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। हरी मिर्ची स्टफ करके हमने रेडी कर ली है। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में केयरफुली कट कर लेते हैं। पीसेस की साइज आप अपनी पसंद से छोटी या बड़ी रख सकते हैं। माँ जब बचपन में अचार बनाया करती थी तो बहुत ही मजा आता था। इसका पूरा प्रोसेस एंजॉय करना अपने आप में एक अलग ही फीलिंग देता था। तो बहुत सारी बचपन की यादों का पिटारा है यह अचार। अचार बनाते समय अगर हम थोड़ी सी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, जैसे कि मिर्च बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम मिर्च में स्टफिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हमने सभी हरी मिर्च को कट करके रेडी कर लिया है। अब इन्हें एक साफ और सूखी जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रख रहे हैं तो इसमें एक लेमन का जूस और स्क्वीज कर लीजिए। ऑयल ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसे आप थोड़ा लंबे समय तक अगर स्टोर करना है तो आप ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही 4-5 दिन के लिए धूप में रखेंगे। ऑयल फ्री अचार रेडी है। यहाँ पे हमने करीब 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसे अच्छा गर्म करेंगे, यानी स्मोकिंग पॉइंट तक आने तक गर्म करेंगे और फिर बिल्कुल ठंडा करके इसे जार में ऐड कर लेंगे। आप मस्टर्ड ऑयल या पीनट ऑयल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर करीब 3-4 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड कर लिया है। इसे 1-2 दिन धूप में रखेंगे और हल्का हिला लेंगे, जिससे कि मिर्ची ऑयल से कवर रहे और ये खराब ना हो। आप सभी इस अचार की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और ये कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपको और भी बहुत सारी टेस्टी और इजी रेसिपीज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।